बंजारी वीर कुंवर सिंह खेल मैदान में है और यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। आइए खिलाड़ियों से डायरेक्ट मिलते हैं। क्या नाम है? आदित्य कुमार। कहाँ से आए हैं? सासाराम से। क्रिकेट और फिटनेस या खेल और फिटनेस में कितना दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्रिकेट अगर प्लेयर जो है उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में विदाउट फिटनेस आप नहीं खेल सकते हैं, ज्यादा देर तक ज्यादा टाइम तक आप नहीं खेल सकते हैं। और फिटनेस में अब बहुत सारा लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए आपको फिटनेस बहुत जरूरी है। खेल में फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप लोग? इंटरटेन को लोग खेलते हैं कि इसमें भविष्य भी कभी दिखता है? नहीं नहीं, क्रिकेट में बहुत ज्यादा भविष्य है। अगर आप दिल से और दम से खेल रहे हैं मन लगाकर, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िएगा। बाहरी सपोर्ट नहीं मिले तो? बाहरी सपोर्ट नहीं मिले तो क्या, डेडिकेशन अगर रहता है आपको, आपके अंदर है, अगर वो ललक कि हमको खेलना है आगे, तो फिर आपको मिलेगा, वो सक्सेस जरूर मिलेगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। बंजारी, इस ग्राउंड के बारे में बताइए आप। ग्राउंड लगभग ठीक ही है, बस थोड़ा सा बस और काम वाम हो जाए ग्राउंड में तो काफी अच्छा ग्राउंड हो जाएगा। किस तरह के काम की अपेक्षा करते हैं? जैसे वही जो गड्ढा उड्ढा है वो बस लेवल हो जाए, तो वो आपको खेलने में फिर हाँ खेलने में बस अच्छा। क्या नाम? प्रशांत कुमार। कहाँ से हैं? डेहरी। डेहरी और बंजारी में किस तरह का फर्क देखते हैं? क्या ऑडियंस कैसे हैं, दर्शक कैसे हैं और कैसा आपको? ऑडियंस तो लगभग हर जगह के अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ऑडियंस वही चाहते हैं कि आपके प्लेयर जीते, अच्छा परफॉर्म करे। ऑडियंस सपोर्ट मिलता है तो खेलने में कितना मन? बहुत मजा आता है। चलिए, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार सिंह। आशुतोष कुमार सिंह कहाँ से हैं? डेहरी। क्रिकेट जिस तरह से मोबाइल की ओर चला गया, फील्ड से हट गया, क्या कहेंगे? देखिए, मोबाइल की तरफ तो गया है, लेकिन आज के जनरेशन को इस चीज़ को समझना चाहिए कि मोबाइल एक तरफ से हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है और एक हमारे लिए एक अच्छा भी है। अगर उसका सही से उपयोग करते हैं तो हम आगे मतलब ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन एक सीमित तक। लेकिन ये पबजी वगैरह ये सब चीज है जिसको लेकर के दिन भर लोग, बच्चे लोग उसमें डूबे रहते हैं, तो उसमें कोई आपका भविष्य नहीं है। उसके बदले या तो खेलिए नहीं तो पढ़िए। थैंक यू आशुतोष। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू यादव। बिट्टू, क्या करते हैं आप? बैट्समैन है, बॉलर है? बैट्समैन है, हम बैटिंग करते हैं। आज परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा हमारे टीम का, तीनों फॉर्मेट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में भी अच्छा खेली हमारी टीम और हम जीते अंततः। अच्छा, आप जीते? बिल्कुल, बधाई आपको। धन्यवाद। मैच जब आप खेलने उतरते हैं क्या अपेक्षा रहता है कि ऑडियंस की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिले कि आपको खेलने में मन लगे? यहाँ का सपोर्ट हमेशा अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। पिछले बार हम फाइनल विनर थे यहाँ पे, पिछले बार भी हम लोग फाइनल जीते थे, इसमें 13 छक्का मैंने भी मारा था। इस ग्राउंड में क्या कमी दिखा आपको और क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? नहीं, ग्राउंड तो ठीक है और कमी यही है कि थोड़ा सा देखना चाहिए इन लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, मुखिया वगैरह हैं, वार्ड हैं, उनको थोड़ा सा देख के इसमें करवा देना चाहिए। बाउंड्री है ही यहाँ, बैठने के लिए भी है, सारा चीज है, तो थोड़ा सा और देख के आगे कराए ताकि बच्चों का भविष्य बढ़िया रहे। जी, चलिए, थैंक यू आपको मेरे साथ बात करने के लिए। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस ग्राउंड का मेंटेनेंस अगर हो तो जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर जब मैच होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंटरटेन भी मिलेगा। इंटरटेन और रोजगार के साथ साथ इस ग्राउंड का मेंटेनेंस होना बहुत ही जरूरी है ताकि युवाओं का बेहतर फ्यूचर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो, 12 कितने? 26 रन। काफी रोमांचक मैच, दोनों कल से फंसा हुआ, दर्शक समझ नहीं पा रहे कौन टीम विनर होती है आज की। दर्शक बाउंड्री को छोड़ दें। इस जो बंजारी का स्टेडियम है जहाँ मेंटेनेंस नहीं है, रख रखाव नहीं है, आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? मैं यहाँ तमाम पब्लिक लोग से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्राउंड का कुछ खामियाँ है वो पूरा किया जाए। हमारे जो यहाँ पे जो चुनावी प्रतिनिधि है उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ग्राउंड को आकर आप देखिए, सही से करें। बच्चों को खेलने के लिए ट्रैक भी नहीं है और यहाँ से हमारे बच्चे पीयूष सिन्हा नाम है जो कि मेडल लाए हैं धावक में और काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं बंजारी गाँव का। और मैं प्रतिनिधियों से यही निवेदन करूँगा कि आप हमारे ग्राउंड को सहयोग करें और इसी तरह टूर्नामेंट को बढ़ावा देते रहे कि हम लोग का भविष्य आगे और भी उज्जवल होते रहे। और छोटे छोटे बच्चे आप देख ही रहे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। और मैं प्रतिनिधि प्रमुख सर से चाहूंगा कि हमारे ग्राउंड में एक जिम का कमी है, उसको आप पूरा कीजिए। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है मुरारी प्रसाद गौतम,
उनको भी आने का कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बार बोले थे वो कि हमारे ग्राउंड को उधर लेग साइड की दिशा में वो ग्राउंड रहना चाहते थे, तो अभी तक लेकिन कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया। अगर आपके आपके आवाज़ के द्वारा अगर प्रतिनिधि के पास आवाज़ आता होगा, विधायक जी, माननीय विधायक जी मुरारी प्रसाद गौतम को, तो आप वहाँ जरूर पहुँचाएँ। चलिए, थैंक यू। और ये जो प्रीमियर क्रिकेट चल रहा है, इसका प्रतिदिन प्रसारण रोहतास दर्पण पे जाएगा। आप लोग रोहतास दर्पण पे जरूर इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।